हेलो फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम के सेक्शन में मैं आपको क्वेश्चन का न्यू टाइप बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, ए एक काम को 15 दिनों में फिनिश करता है। ए ने 5 डेज वर्किंग की, उसके बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। रेस्ट टास्क बी 20 डेज में रैप अप करता है। तो पहला पार्ट है जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए काम को 15 दिन में फिनिश कर रहा है और ए ने सिर्फ 5 डेज वर्किंग की है। मतलब ये है यहां से यहां तक 15 डेज ए को लगते हैं, पर 5 डेज वर्किंग ए ने की, उसके बाद वो यहां से काम छोड़कर चला जाता है। तो रेस्ट ऑफ द टास्क बी फिनिश करता है। तो ये रेस्ट ऑफ द टास्क हमें पहले निकालना होगा। ये रेस्ट ऑफ द टास्क हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकालेंगे एज वन डे टास्क, ए का एक दिन का काम 1/15 पार्ट। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ने कितने दिनों तक काम किया हुआ है? ए ने 5 दिनों तक काम किया हुआ है। देन एज 5 डेज वर्क, एक दिन का काम मल्टीप्लाइड बाय 5 डेज, तो आपको 1/3 पार्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना काम ए ने फिनिश कर दिया है। तो रेस्ट ऑफ द वर्क आपको निकालना है, तो कंप्लीट टास्क माइनस वर्क डन बाय ए। इतना टास्क बी को फिनिश करना है। कहा गया है शेष काम को बी 20 डेज में समाप्त करता है, 2/3 पार्ट बी को फिनिश करता है 20 डेज में, 2/3 पार्ट ये बी कर रहा है आपका 20 डेज में। तो सिंपल है, अगर बी 2/3 पार्ट कर रहा है 20 डेज में, मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, तो सिंगल पार्ट या सिंगल यूनिट निकालने के लिए आपने करना क्या होगा? अगर पूरा टास्क या वन पार्ट करना है, सिंपल 2/3 पार्ट इज इक्वल टू 20 डेज। सो सिंगल यूनिट के लिए निकालना है तो 20 डिवाइडेड बाई 2/3, That would be equal to 20 × 3/2. You will get 30 days. ठीक है, इसका मतलब है कंप्लीट पार्ट को अगर बी अगर करे, यदि बी अकेले उस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा? कंप्लीट पार्ट को करने में बी को 30 डेज लगेंगे। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बी टास्क को फिनिश करता है तो आपको बी 30 डेज में वर्क को फिनिश करता है। बी टेक्स 30 डेज टू फिनिश वन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ए और बी एक साथ अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो वो सिंपल है, वन डे टास्क ऑफ ए, तो एज वन डे टास्क है 1/15। सिमिलरली हम बी इज वन डे टास्क निकाल लेंगे या वन डे वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, टास्क और वर्क सेम थिंग, दैट वुड बी इक्वल टू 1/30 पार्ट। ए एंड बी का एक दिन का काम, वन डे वर्क, दैट वुड बी 1/15 प्लस 1/30। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा,
टू प्लस वन, ये आएगा आपका वन अपॉन टेन। ठीक है, इसका मतलब है ए एंड बी का एक दिन का टास्क या एक दिन का एक दिन में वो कितना काम फिनिश करते हैं, वन अपॉन टेन पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन अपॉन टेन पार्ट विल बी डन बाय ए एंड बी इन वन डे। क्वेश्चन अगेन सिंपल है, वन अपॉन टेन पार्ट इक्वल टू वन डे और सिंगल पार्ट और फुल टास्क। सिंगल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमें यहां पर निकालना है वन के लिए, वन अपॉन टेन पार्ट इक्वल टू वन, तो वन के लिए निकालना है तो वन डिवाइडेड बाई वन बाई टेन, तो आंसर आपका आएगा वन इंटू टेन इज इक्वल टू टेन डेज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कितनी भी यूनिट का अगर हमको पता है यहां पर वैल्यू, तो सिंगल एक वैल्यू के लिए एक पार्ट के लिए निकालना है तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल।